अगर आप भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हैं तो यकीनन ही शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी आपको बहुत पसंद होगी और आप इस वक्त उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि जरूर शहनाज कौर गिल जो है सिद्धार्थ के परिवार को सपोर्ट करती होंगी इमोशनली, फिजिकली और पैसों से। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट्स ले रखे थे और उन दो फ्लैट्स के ऊपर वाले फ्लैट में सिद्धार्थ शुक्ला रहा करते थे, तो वही नीचे वाले फ्लैट में उनकी मॉम अपनी बहनों के साथ रहा करती थी। और अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो फ्लैट था उसे बेच दिया गया है और उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि शहनाज कौर गिल ही है। आपको बता दें कि ऊपर जो चीजें पड़ी हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला कि वो सारी चीजें जो है एक्सचेंज कर दी गई हैं। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नीचे रूम से शहनाज कौर गिल ने सिद्धार्थ की माँ यानी कि रीता माँ को वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया गया है, क्योंकि नीचे वाले कमरे में जो है सिद्धार्थ शुक्ला की बहनें रह रही हैं। दोस्तों ये जो सारी जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो सिद्धार्थ शुक्ला के मेट के द्वारा निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि शहनाज कौर गिल काफी समय हो गया है सिद्धार्थ की फैमिली से मिलने नहीं पहुंची है। सिद्धार्थ के बर्थडे पर उन्होंने उनको कोई विश नहीं दी। दिवाली, होली, हर एक फेस्टिवल आ रहा है जा रहा है, पर अब तक शहनाज कौर गिल को सिद्धार्थ के घर पर नहीं देखा गया। रेगुलर एक आध साल तक हमने देखा कि शहनाज कौर गिल लगातार सिद्धार्थ की फैमिली के साथ नजर आ रही थी, पर अब शहनाज कौर गिल ने पूरी तरीके से सिद्धार्थ के परिवार से बैकआउट कर लिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला का घर खरीदने के बाद शहनाज कौर गिल ने सिद्धार्थ के परिवार को बेदखल कर दिया है, इस तरीके की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको, कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों को बुरा लगा प्लीज हमें जरूर बताएगा कि शहनाज कौर गिल जो है सिद्धार्थ के परिवार को कितना सपोर्ट कर रही है और उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें जरूर बताएगा। मैं अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।